हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस स्टडीज़ या प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है सेल्स प्रमोशन है, जिसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड लेक्चर में हम सेकंड पार्ट करेंगे और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या चीज़ें कवर करेंगे। देखो, इस चैप्टर के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा, सेल प्रमोशन का अर्थ क्या है, सेल प्रमोशन की डेफिनेशन क्या है, सेल प्रमोशन के फंक्शन क्या है, सेल प्रमोशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, सेल प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है, व्हाट आर दी वेरियस टाइप ऑफ सेल प्रमोशन। और इसके अंदर जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कंज्यूमर प्रमोशन और टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रमोशन। अब हम देखते हैं सेल प्रमोशन का अर्थ क्या है। देखो, जो सेल प्रमोशन है वो प्रमोशन मिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। प्रमोशन मिक्स के अंदर एडवर्टीजमेंट आ जाता है, पर्सनल सेलिंग आ जाता है, डायरेक्ट जो है सेलिंग आ जाता है। तो सेल प्रमोशन जो है प्रमोशन मिक्स का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये जो है शॉर्ट टर्म है, इसका जो ये सेल प्रमोशन जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। और इसके अंदर क्या है कि मीडिया नॉन मीडिया जो है दोनों ही यूज़ किया जाता है। और इसके पीछे जो लॉजिक होता है कि हमने अपनी डिमांड को सेल को इनक्रीज़ करना है। सेल प्रमोशन जो है एक तरह से पुल मार्केटिंग टेक्निक है, जिसके अंदर वो कंज्यूमर को कस्टमर को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पे सेल प्रमोशन के पीछे जो ये शॉर्ट टर्म टैक्टिक प्लान्स हैं, जिसके पीछे जो अर्थ होता है, मंशा जो होती है, जो उद्देश्य होता है कि वो पोटेंशियल कस्टमर को मोटिवेट करना, परसुएट करना, कन्विंस कराना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट जो है परचेज़ करें। सेल प्रमोशन जो है कंज्यूमर के ऊपर अगर टारगेट की जाती है तो उसको हम कंज्यूमर सेल प्रमोशन कहते हैं। अगर रिटेलर एंड होलसेलर के ऊपर टारगेट की जाती है तो उनको हम ट्रेड सेल प्रमोशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि रिटेलर एंड होलसेलर जो है ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट रखें। तो सेल प्रमोशन के पीछे जब कंज्यूमर के प्रति होता है कि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज करे, रिटेलर एंड होलसेलर के ऊपर होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का माल जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करे। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है, सेल्स प्रमोशन मींस एनी स्टेप्स दैट आर टेकन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग और इंक्रीजिंग दी सेल। देखो, सेल प्रमोशन जो है इसका जो इम्पैक्ट होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यहाँ पे जो उद्देश्य होता है कि हमने अपनी शॉर्ट टर्म के अंदर सेल प्रमोशन अडॉप्ट करके अपनी सेल को इंक्रीज करना है। सेल प्रमोशन के अंदर देखो दूसरी जो डेफिनेशन है रोजर ए स्ट्रॉन्ग की है। सेल प्रमोशन के अंदर देखो ऑल फॉर्म ऑफ स्पॉन्सर्ड कम्युनिकेशन, जो भी प्रमोशन मिक्स के अंदर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, इवन जो पर्सनल सेलिंग करते हैं, उन सबको इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ऑल फॉर्मल स्पॉन्सर्ड कम्युनिकेशन, इवन इसके अंदर जो पर्सनल सेलिंग के अलावा वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। इसके अंदर ट्रेड शोज़ भी आ जाते हैं, एग्जीबिशंस भी आ जाती हैं, सैम्पलिंग भी आ जाता है, प्रीमियम भी आ जाता है, ट्रेड अलाउंसेस, सेल वगैरह भी आ जाती है। ये जो है कंज्यूमर के ऊपर जो हम टारगेट करते हैं। और सेकेंड जो है डीलर को इंसेंटिव दिए जाते हैं, यहाँ पे सेट ऑफ पैक्स है, कंज्यूमर को एजुकेट किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज़ की जाती हैं, रिबेट्स, बोनस, पैक पॉइंट्स ऑफ परचेज मटेरियल एंड डायरेक्ट मटेरियल मेल। यहाँ पे देखो ये सेल प्रमोशन के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे जिनकी पीछे लॉजिक ये होता है कि हम किसी तरह से जो कंज्यूमर है उसको पुल करना होता है, अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करना होता है कि कंज्यूमर हमारी तरफ जो है खींचा चला आए। क्योंकि जब सेल लगती हैं या कोई इंसेंटिव दिया जाता है तो वहाँ पे जो लॉजिक होता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट है उसकी सेल को हमने इंक्रीज़ करना है। अब हम देखते हैं कि देखो यही इसके ऑब्जेक्टिव हैं, यही इसके फंक्शन है, यही इसके इम्पॉर्टेंस है। और अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो आपने हल्का फुल्का जो है मैनिपुलेट करके इसको लिखना है। देखो, जो सेल प्रमोशन है ये जितने भी प्रमोशन मिक्स के अदर एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में ये ब्रिज का काम करता है। पर्सनल सेलिंग एडवर्टीजमेंट के अंदर ये वाइटल लिंक है, क्योंकि यहाँ सेल प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि नेचुरली जब ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ सेल प्रमोशन देती है तो क्योंकि एडवर्टीजमेंट के द्वारा लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होती है तो वो जो है शोरूम में आते हैं। तो उसी तरह क्या है कि देखो पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या होता है कि उनको बताया जाता है, तो ये एक ब्रिज का काम करता है।
सेल प्रमोशन के पीछे जो लॉजिक होता है कि जो कस्टमर है जहाँ वो एट द पॉइंट ऑफ परचेज ज़्यादा चीज़ें परचेज करें, नए प्रोडक्ट की सेल को सेल प्रमोशन ज़्यादा हेल्प करती है। इवन जो हमारे एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी ये मोटिवेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज करें। इवन ये नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और कॉम्पिटिशन को भी इफ़ेक्टिवली हैंडल करता है, क्योंकि सेल प्रमोशन से क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से यूनिक कर देते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर काफ़ी सारी ऑफर्स दे रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि जो लीन सीज़न होता है उसके अंदर भी सेल प्रमोशन जो है एक बढ़िया स्कीम है जिसके द्वारा हम अपनी सेल को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो जो सेल प्रमोशन है ये एक तरह से शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको कभी भी लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे सेल्स लगाई जाती हैं या प्राइस में रिडक्शन की जाती है तो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है जिसके पीछे लॉजिक ये होता है कि सेल को हमने इन्हांस करना होता है। तो ये लास्ट फेज ऑफ द परचेज प्रोसेस है सेल प्रमोशन के अंदर जो है, जिसके अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करें। तो जो दूसरे प्रमोशनल मिक्स हैं उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके साथ ये एडिशनल रोल परफॉर्म करता है, उनका काम जो है आसान करता है, और ये एक एक्सेसरी का रोल जो है परफॉर्म करता है, क्योंकि ये जो है कस्टमर को अपनी तरफ जो है पुल करता है सेल प्रमोशन के द्वारा। अब हम देखते हैं कि सेल प्रमोशन जो है दो तरह की होती है, कंज्यूमर सेल प्रमोशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर या एंड यूज़र जो होते हैं जिन्होंने अल्टीमेटली प्रोडक्ट को यूज़ करना होता है तो वहाँ पे टारगेट की जाती है कि वो जो है स्टोर में आए और चीज़ें परचेज़ करें। ट्रेड प्रमोशन जो होती है ज़्यादातर ये होलसेलर एंड रिटेलर पे होती है, बट ज़्यादा फोकस जो होता है रिटेलर पे होता है कि रिटेलर जो है ज़्यादा उस प्रोडक्ट की चीज़ें या उस ब्रांड की चीज़ें रखें। और यहाँ पे जो है कई बार सेल प्रमोशन जो है इसलिए भी की जाती है कि रिटेलर को सपोर्ट दी जाए ताकि वो जो है कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल करे। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर सेल प्रमोशन का अर्थ क्या होता है। देखो जो कंज्यूमर सेल प्रमोशन है, क्योंकि यहाँ पे एंड यूज़र या कंज्यूमर के ऊपर फोकस होता है, और यहाँ पे जो सेल प्रमोशन होती है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे होता है कि लोग जो है हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज़ करें, स्टोर के अंदर जो है ट्रैफिक को इनक्रीज़ करना होता है, और लोगों के अंदर जो होता है जब सेल प्रमोशन होती है तो एक्साइटमेंट होती है कि वहाँ पे सेल लगी है या प्राइस के अंदर रिडक्शन है या इसके साथ ये चीज़ फ्री मिल रही है, तो लोगों में एक्साइटमेंट होती है कि वो स्टोर पे विजिट करते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये टाइप ऑफ कंज्यूमर सेल प्रमोशन कुछ मैंने यहाँ पे दिए हैं, प्राइस डील्स हैं, लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम है, सेंड्स ऑफ है, प्राइस पैक डील्स है, कूपन्स है, लॉस लीडर है, फ्री स्टैंडिंग इंसर्ट है, मोबाइल कूपन है, रिबेट्स एंड कंटेस्ट है, जिसको हम अगली स्लाइड में जो है डिटेल में करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है जो कंज्यूमर के ऊपर जो है सेल प्रमोशन इस तरह से की जाती है, कई बार क्या होता है कि फ्री सैंपल जो होते हैं कंज्यूमर को दिए जाते हैं फ्री ट्रायल के लिए, ताकि कंज्यूमर उनको यूज़ करे और उनको डिमांड करे। कई बार क्या होता है मैगजीन्स के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर जो है ये दिए जाते हैं या उनके डोर पे भी डिलीवर किए जाते हैं या मेल के द्वारा भेजे जाते हैं, बट जो सैम्पल्स होते हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ सिचुएशंस के अंदर ये जस्टिफाइड नहीं होते। अगर वेल एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट जो है इतना सुपीरियर नहीं है या जिस प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन नहीं है या पेरिशेबल डेलिकेट जो नाजुक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी सैंपल नहीं दिए जा सकते। सेकंड जो है कूपन है, इसके अंदर क्या होता है कि देखो कूपन जो होते हैं ये जिनके पास कूपन होता है उनको स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के ऊपर जो है स्पेसिफिक सेविंग होती है या कैश रिफंड मिलता है, तो यहाँ पे ये बेसिकली इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये कूपन इसलिए दिए जाते हैं कि नया प्रोडक्ट जो है उसके इंट्रोडक्शन के लिए या कोई एस्टैब्लिश प्रोडक्ट जो है उसकी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। देखो यहाँ पे जो मोटिव होता है सेल को इंक्रीज़ करने के लिए होता है, और ये भी होता है कि रिपीटेड फ्रिक्वेंसी जो है सेल की ज़्यादा हो। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जनरली कूपन जो होते हैं कंज्यूमर कन्वीनियंट गुड्स के लिए ज़्यादा होते हैं,
करते हैं। कई बार देखो हम स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे होता है कि अगर आप इतने की शॉपिंग करोगे तो आपको इतने कूपन जो है मिलेंगे, और जो कूपन होते हैं कई बार उसके अंदर ये होता है कि अगर आप 2000 की शॉपिंग दोबारा से करते हो तो आपको 500 रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह जो कूपन्स हैं रिडक्शन दी जाती है ताकि कंज्यूमर जो है मोटिवेट होके ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करें। डेमोंस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाता है, दिखाया जाता है कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, और ये जो डेमोंस्ट्रेशन होती है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड की जाती है। कई बार क्या होता है कि देखो सेल प्रमोशन के अंदर कंटेस्ट भी कराई जाती हैं, इसके के अंदर भी होता है कि न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो भी परचेज़ करें। तो यहाँ पे ये प्रमोशन इवेंट्स होते हैं, कंज्यूमर्स को होता है कि कुछ ना कुछ वो जीत सकते हैं, कैश जीत सकते हैं, ट्रिप जीत सकते हैं या गुड्स जीत सकते हैं। कैश फंड ऑफर के अंदर क्या होता है कि रिबेट्स होते हैं कि अगर इतनी प्रोडक्ट की प्राइस है तो इस पर आपको इतना रिडक्शन मिल जाएगा। प्रीमियम के अंदर क्या होता है कि गुड्स या तो फ्री दी जाती हैं या लो कॉस्ट पे दी जाती है, और ये कई बार पैकेज के अंदर भी होता है, कई बार मेल के द्वारा भी भेजा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है कई बार ये जो प्रीमियम है जिसके अंदर फ्री या लो कॉस्ट पे दिया जाता है, कई बार डायरेक्टली दिया जाता है या कई बार रीयूजेबल कंटेनर फ्री दे दिया जाता है, या कई बार ऐसा होता है सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है कि उसी प्राइस के ऊपर जो है, जैसे मान लो पहले 500 ग्राम मिलता था तो अब 800 ग्राम कर दिया है, सेल्फ लिक्विडेटिंग ऑफर्स हैं जिसके अंदर उसी प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी जो है ऑफर की जाती है। प्राइस ऑफ ऑफर के अंदर क्या होता है कि प्राइसेस के अंदर रिडक्शन की जाती है ताकि कंज्यूमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज करें। कंज्यूमर स्वीप्स टैग के अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर जो है उनके नेम जो है कलेक्ट किए जाते हैं, ड्रॉ के अंदर डाले जाते हैं, लॉट्स के अंदर जो है ड्रॉ किया जाता है, फिर उसके अंदर जो विनर्स होते हैं उनको प्राइजेस दिए जाते हैं। तो उस तरह से भी होता है, इनकी कुछ लिमिट होती है कि अगर आप इतनी शॉपिंग करते हो तो आप अपना जो नाम है ड्रॉ में डाल सकते हो। तो उससे भी क्या होता है कि सेल के अंदर प्रमोशन होती है, सेल ज़्यादा होती है। बायबैक अलाउंसेस के अंदर क्या होता है कि अगर आपने प्रीवियस परचेज किया था तो उसके बेसिस पे आपको इतनी रिडक्शन मिलेगी। आजकल तो एक नया भी है कि कैशबैक बैक ऑफर भी है। लॉस ईयर के अंदर क्या होता है कि जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस को कुछ टेम्प्रेरी रिड्यूस कर दिया जाता है, जैसे आप एक के साथ ये प्रोडक्ट लोगे तो इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है इतनी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम दूसरे प्रोडक्ट की जो सेल है उसको स्टिमुलेट करना चाहते हैं, उसके साथ जो है पॉपुलर प्रोडक्ट जो होता है कम प्राइस पे जो है ऐड कर देते हैं। और मोबाइल के अंदर भी कूपन्स आ जाते हैं, कई बार मोबाइल के अंदर कूपन्स के अंदर क्या होता है कि अगर हम ये चीज़ें मंगवाते हैं तो हमें इतना रिडक्शन मिल जाएगी। कई बार ऑनलाइन इंटरेक्टिव गेम्स भी होती हैं जिसके अंदर इतने पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको क्या है कि उसकी रिडम्पशन पे छूट हो जाएगी। और आजकल तो क्या है कि जैसे और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो लॉयल्टी कार्ड्स बना देते हैं जिसके अंदर हमारे पॉइंट्स जो ऐड होते रहते हैं और उनकी रिडम्पशन हो जाती है। और कई बार पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट की फैसिलिटी भी दी जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक शेल्फ लेबल्स के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे शेल्फ पे जब हम लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमें कूपन जो है सिग्नल देते हैं कि इतना रिडक्शन मिलेगा। और भी बहुत सारे पर्सनलाइज कम्युनिकेशन हो गए जिसके अंदर अलर्ट्स मिलते हैं। इवन सेल से पहले भी क्या होता है कि हमारे पास SMS आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन भी जो है कूपन आ जाते हैं जो हमें कहते हैं कि अगर हम शॉपिंग करते हैं तो हमें इतनी रिडक्शन मिलेंगी। तो ये सारे जो थे कंज्यूमर सेल प्रमोशन टूल्स थे। अगले लेक्चर के अंदर जो हमारा रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे कि रिटेलर को कैसे जो है ट्रेड प्रमोशन टूल्स किस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर